शिमला के उपमंडल ठियोग में 90 दिनों बाद एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। पेशे से किसान भगत राम 21 नवंबर को अपने घर से गाड़ी की किस्त जमा करवाने गया था, लेकिन उसके बाद वे घर वापस नहीं लौटा। जब पिता वापस नहीं आए तो बेटी ने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ कहीं चले गए होंगे और वापस वक्त रहते आ जाएंगे। लेकिन दो दिनों बाद जब उसके पिता घर नहीं लौटे तो मामला ठियोग पुलिस के पास पहुंचा। 3 महीने तक पुलिस की जांच के बाद भी जब कोई परिणाम सामने नहीं आया तो 15 दिन पहले फरवरी में परिवार DGP संजय कुंडू से मिला और मामले की जांच CID से करवाने की बात कही। इस पर संजय कुंडू ने एक कमेटी गठित की जिसमें CID ने शव को ढूंढ निकाला है। शव लफू घाटी में एक झाड़ी में पड़ा मिला था। मृतक भगत राम के दोनों हाथ कटे मिले थे। जब परिजनों ने देखा तो हैरान रह गए। IGMC में पोस्टमार्टम करवाने आए परिजनों ने कहा कि ये हत्या का मामला है। दुश्मनी भी थी, मतलब पहले हुई थी। मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे जो उसमें बिट्टू अनिल करके एक नाम है तो उसके साथ पहले झगड़ा हुआ था पापा का, तो वो पुलिस स्टेशन तक गए थे और उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस टाइम पे लाया गया था, मतलब कि उनको उस तरह से रखा गया था। साफ दिख रहा था अगर आदमी गिरता पड़ता है तो वो लंबा करके गिरता है, तो वो मतलब उस पोजीशन में थे कि भाई उनको वहाँ पर रख के किया है। लोग इंसाफ चाहेंगे मैम। अब ऐसे तो कोई जानवर वगैरह तो नहीं थे कि बस जाने दिया। पापा थे, उन लोगों का भी परिवार होगा, वो तो वो लोग भी जानेंगे उस टाइम पे जब उनके साथ कभी वैसे होगा। अभी मैं यही बोलूँगी कि उनको फांसी हो बस। इतना ही नहीं, परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस 3 महीने तक गुमराह करती रही। साथ ही परिजन हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या वाकई में हत्या का मामला है? अगर ऐसा है तो पुलिस को इस मामले में गहराई से जांच करनी चाहिए और सच सामने लाना चाहिए। शिमला से बीचंद, समाचार फर्स्ट।